हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में चर्चा करेंगे न्यायवाचक यानी कि श्लोक के पार्ट थ्री पर। देखिए पार्ट टू में हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो दो कथन वाले क्वेश्चन थे। आज की क्लास में हम तीन कथन वाले क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही सरल एवं शानदार है। सारी चीजों को आपको अच्छे से समझना है तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे पहले हम इन तीन कथनों का डायग्राम बनाते हैं। तो पहला कथन है आपके सामने, सभी बॉक्स बैग है, सभी बॉक्स बैग है, ठीक है। अगला कथन, कुछ बॉक्स जग है, कुछ बॉक्स जग है। अगला कथन, कुछ जग कांच है, कुछ जग कांच है। अब देखिए दोस्तों इन तीन कथनों के इसके अलावा और डायग्राम बन सकते हैं, यानी कई प्रकार के डायग्राम बन सकते हैं इन तीनों कथनों के, लेकिन हम केवल एक ही डायग्राम से सारी चीजों को समझेंगे। देखिए समझने की चीज क्या है, ये जो कांच है ना, कांच कांच दिखाई दे रहा है आपको, इस कांच का संपर्क बॉक्स से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें बॉक्स और कांच के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। दूसरा, कांच का और बैग का संपर्क आपस में कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हमें पता नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है, कांच और बॉक्स के बारे में जो कुछ पूछेगा वो पॉसिबिलिटी में होगा, कांच और बैग के बारे में जो कुछ पूछेगा वो पॉसिबिलिटी में होगा, यानी डेफिनेट में गलत होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं निष्कर्षों की ओर। देखिए पहला निष्कर्ष, कोई कांच बॉक्स नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि तीनों ही कथन कैसे हैं, पॉजिटिव। निष्कर्ष कैसा है, नेगेटिव, और डेफिनेट हमसे पूछ रहा है तो गलत, पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी में हो तो सही है, डेफिनेट में गलत है। अब देखिए गलत कैसे है, कोई कांच बॉक्स नहीं है, कांच यहां पर है, बॉक्स यहां पर है, कांच और बॉक्स की कोई जानकारी नहीं है तो डेफिनेट में गलत, पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट निष्कर्ष की ओर, कुछ कांच बॉक्स है, कुछ कांच बॉक्स है, वही बात आ गई, कांच और बॉक्स। देखिए कांच और बॉक्स का हमें पता नहीं है तो पॉसिबिलिटी में यह भी गलत है और पॉसिबिलिटी में है। अगला देखिए, कुछ जग बैग है, कुछ जग, बिल्कुल सही है, इतने सारे जग है इनका कुछ भाग बैग है, तो तीसरा निष्कर्ष सही है। अंतिम निष्कर्ष देखिए, कोई जग बैग नहीं है, कोई जग बैग नहीं है, बिल्कुल गलत है। देखिए कुछ जग बैग है तो कोई जग बैग नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये तो गलत है, ठीक है। अब देखिए केवल तीसरा सही है, केवल तीसरा डेफिनेट में सही ही है, यदि आइदर और के केस में पूछा जाए तो। देखिए तीसरा और पहला या दूसरा, पहला या दूसरा सही है। अब देखिए पहला या दूसरा, या आइदर और का मतलब या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है, कैसे देखिए। मान लीजिए हम इसको सही माने, कोई कांच बॉक्स नहीं है, कोई कांच बॉक्स नहीं है, तो फिर ये वाला गलत होगा, कुछ कांच बॉक्स है। यदि इसको सही माने, कुछ कांच बॉक्स है, यानी कांच को हम यहां पर ले लें, कुछ कांच बॉक्स है, तो फिर ये गलत होगा, कोई कांच बॉक्स नहीं है। कहने का मतलब ये है इनमें से एक सही है, तो तीसरा तो डेफिनेट सही है, लेकिन पहले या दूसरे में से एक सही है, तो ये ऑप्शन आया तो ये सही होगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हाँ, तो दोस्तों अब आ चुके हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो कथन पॉजिटिव यानी सकारात्मक है और एक कथन नेगेटिव यानी नकारात्मक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए सबसे पहले हम इन तीन कथनों का डायग्राम बनाते हैं। तो पहला कथन है, कुछ कागज किताब है, कुछ कागज किताब है, ठीक है। अगला कथन, कुछ कागज कार है, कुछ कागज कार है, ठीक। अगला कथन, कोई कार सफेद नहीं है, कोई कार सफेद नहीं है, तो सफेद को मैं यहां बनाता हूं, कोई कार सफेद
नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए डायग्राम तो और भी बन सकते हैं इसके अलावा, लेकिन समझने वाली जो बात है वो ये है। देखिए हमको ये तो दिखाई दे रहा है कि सफेद कार का आपस में कोई संपर्क नहीं है, लेकिन सफेद और किताब के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सफेद और किताब के बारे में पूछेगा तो वो पॉसिबिलिटी में होगा। दूसरी बात, सफेद और ये जो कुछ कागज है कार से बाहर के, इनके बारे में जो कुछ पूछेगा वो भी पॉसिबिलिटी में होगा। तीसरा, कार और किताब के बारे में जो कुछ पूछेगा हमें पता नहीं है ये कार यहाँ है किताब यहाँ है, इनका संपर्क आपस में है या नहीं। तो कहने का मतलब ये है कार और किताब के बारे में जो कुछ पूछेगा वो भी पॉसिबिलिटी में होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं निष्कर्षों की ओर। देखिए पहला निष्कर्ष, कुछ कागज सफेद नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखिए कुछ कागज सफेद नहीं है, कोई कार सफेद नहीं है, कोई कार सफेद नहीं है और कार के अंदर जो चीज है वो भी सफेद नहीं होगी। तो कुछ कागज, ये वाले कागज कार के अंदर है तो ये वाले कुछ कागज सफेद नहीं है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला निष्कर्ष, कोई कागज सफेद नहीं है। अब देखिए कुछ कागज तो सफेद नहीं है लेकिन पूरे कागज सफेद नहीं हो इसका हमें पता नहीं है, और पता नहीं है तो पॉसिबिलिटी में, और हमसे क्या पूछ रहा है डेफिनेट, तो डेफिनेट में तो गलत। ठीक, अगला देखिए तीसरा, कुछ कार किताब है, कुछ कार यहां पर है किताब यहां पर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया पॉसिबिलिटी में जाएगा, हमें पता नहीं है कार और किताब के बारे में। ठीक है ना, तो हम डेफिनेट में इसे गलत करेंगे कि कुछ कार किताब है, पॉसिबिलिटी में सही हो सकता है। ठीक है ना, चौथा देखिए, कोई कार किताब नहीं है, कोई कार किताब नहीं है, हमें पता नहीं है पॉसिबिलिटी में गया। ठीक है, और डेफिनेट में गलत। अब देखिए डेफिनेट केवल यूं पूछे हमसे, फिक्स बताओ कौन सा सही है, तो फिक्स तो पहला सही है, फिक्स तो पहला ही सही है। यदि ऑप्शन ऐसे आ जाए पहला और तीसरा या आइदर और वाला केस चौथा, ठीक है ये ऑप्शन आए तो सही है, यानी पहला तो पक्का सही है और तीसरे या चौथे में से एक सही है, यानी आइदर और वाला केस वाला रहा है, क्योंकि एक बात पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब एक किसी चीज के बारे में एक बात पॉजिटिव हो और एक बात नेगेटिव हो और वहां पर पॉसिबिलिटी हो तो वहां पर आइदर और का केस बनता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही होगा, यदि केवल एक ही ऑप्शन मिले तो पहला ही सही है। वैसे उम्मीद करता हूं मैं आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। एक क्वेश्चन सॉल्व और करते हैं दोस्तों। देखिए तो दोस्तों अब आ चुके हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सारी चीजों को वैसे ही सॉल्व करेंगे जो पिछले क्वेश्चनों में हमने की थी। तो देखिए क्वेश्चन है, यानी तीन कथन दिए गए हैं। सबसे पहले हम इन तीनों कथनों का डायग्राम बनाते हैं। पहला कथन, कुछ बी आर है, कुछ बी आर है, ठीक है। दूसरा कथन, कोई पी आर नहीं है, कोई पी आर नहीं है, तो पी को आर से दूर रखेंगे, ठीक है, यानी आर का और पी का आपस में कोई संपर्क नहीं है। तीसरा कथन, कुछ पी जेड है, कुछ पी जेड है, ठीक है दोस्तों, डायग्राम बनकर तैयार है, एक ही डायग्राम से सारी चीजों को समझेंगे। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या पूछा गया है, पहला निष्कर्ष पूछा गया है कुछ पी आर है, कुछ पी आर है, बिल्कुल गलत है, कोई पी आर नहीं है तो कुछ पी आर है ऐसे कैसे हो सकता है, तो बिल्कुल गलत है पहला। दूसरा देखिए, कुछ जेड आर नहीं है, बिल्कुल सही है, कुछ जेड आर नहीं है, देखिए कैसे सही है, कोई भी पी आर नहीं है और जो चीज पी के अंदर है वो चीज भी आर नहीं होगी, तो जेड का कुछ भाग पी के अंदर है तो ये कुछ जेड आर नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, अगला यानी तीसरा निष्कर्ष देखिए, कोई भी जेड नहीं है, कोई भी जेड नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है कोई भी जेड नहीं है लेकिन हमें बी और जेड का पता नहीं है कुछ संपर्क है या नहीं, तो कहने का अर्थ ये है
बी और जेड के बारे में जो कुछ भी पूछेगा वो पॉसिबिलिटी में चला जाएगा, डेफिनेट में गलत होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये डेफिनेट में गलत है, पॉसिबिलिटी में रख देता हूँ, आगे कोई ऐसी बात आए तो देख लेंगे। अब देखिए चौथा, कुछ भी जेड है, बी और जेड की बात कर रहा है तो पॉसिबिलिटी में, डेफिनेट में गलत, ठीक है। पांचवा देखिए, कुछ बी पी नहीं है, बिल्कुल सही है, कुछ बी, ये वाले बी पी नहीं है, क्योंकि कोई आर पी नहीं है और आर के अंदर जो चीज है यानी कुछ भी है ये भी पी नहीं है, तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों देखिए दूसरा एकदम सही है, दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर ले लेता हूं, दूसरा एकदम सही है, ठीक है ना, पहला एकदम गलत है, तीसरा और चौथा पॉसिबिलिटी में है, पांचवा एकदम सही है, पांचवा एकदम सही है। अब दोस्तों देखते हैं तीसरे और चौथे को, तीसरे और चौथे को देखिए, एक ही बात है बी और जेड की, बी और जेड की, एक बार पॉजिटिव है और एक बार नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी में तो है ही है लेकिन यहां पर आइदर और का केस बनता है यानी या अथवा वाला, तो इसमें से एक सही होगा, या तीसरा सही माने कि कोई भी जेड नहीं है तो फिर चौथा गलत होगा, या फिर चौथे को सही माने कुछ भी जेड है तो ये गलत होगा। तो कहने का मतलब ये है इन दोनों में से एक सही है, तो दूसरा पांचवा और तीसरा या चौथा सही है, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। अब बताइए वीडियो कैसी लगी, पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और शेयर भी करें।